नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि 4 टॉपिक के ऊपर है, जिसमें दोस्तों विज्ञान और हम सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के ऊपर 25 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि परीक्षाओं में, प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उन सभी को लेकर आए हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सीधे नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा और जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करेंगे तो एक घंटी का निशान आएगा, आप उसको भी प्रेस कीजिए सो दैट आपको मेरे डेली वीडियो के अपडेट्स, जो भी मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी जो सूचना है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और दोस्तों चैनल से जुड़ना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो दोस्तों जैसा कि हम सबसे पहले टॉपिक विज्ञान के ऊपर हम कुछ कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर दिया है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लाल रंग की होती है, रेड की सबसे ज़्यादा होती है और जो बैंगनी रंग है उसकी सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो सबसे अधिक जो प्रत्यास्थता रखता है वो स्टील रखता है दोस्तों। नेक्स्ट है सबसे कठोर धातु मेटल है, तो सबसे जो कठोर धातु होती है वो होती है दोस्तों प्लेटिनम। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ कहलाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो दोस्तों जो परमाणु है हमारा, परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जबकि जो यदि परमाणु की यदि स्ट्रक्चर देखें तो परमाणु के जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो यदि न्यूक्लियस के अंदर पूछा गया है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये सभी को मैक्सिमम पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है, जो पेंटिंग होती है उसमें अमोनियम क्लोराइड की पेंटिंग की जाती है कलई करने के लिए बर्तनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों में हरा रंग होता है, तो दोस्तों जो पटाखे होते हैं उसमें जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉन स्टिक के बर्तनों की परत, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनकी जो परत बनी होती है किस चीज़ की बनी होती है, तो दोस्तों टेफ्लोन की बनी होती है। किस चीज़ की, किस धातु की, टेफ्लोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली एक्रिय गैस है, तो वायुमंडल में जो नहीं पाई जाने वाली गैस है, तो दोस्तों वो गैस है हमारी रेडान गैस, वो है दोस्तों रेडान गैस। तो दोस्तों जो एक्रियशील गैस है वो रेडान, जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और इसमें एक वर्ड आता है दोस्तों एक्रिय गैस, जो कि जो हमारी जो एक्रिय यानी निष्क्रिय जो गैस होती है वो कौन कौन सी होती हैं, कभी कभी उनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें होती है दोस्तों हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन और रेडॉन। तो और इन सभी में जो रेडॉन है वो हमारी वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली एक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुब्बारों में उपयोग होता है, तो गुब्बारे में कौन सी गैस यूज़ करते हैं, दोस्तों हीलियम, क्योंकि ये काफ़ी हल्की गैस होती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सूचना तकनीकी के ऊपर, और इस टॉपिक से हमने जो 5 क्वेश्चंस लिए हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर KB का सामान्यतः पूर्ण रूप है, तो KB की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो होती है किलोबाइट। और किलोबाइट और दो तरह की होती है दोस्तों, एक तो होती है हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से और एक को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल B से। तो जो हमारी स्मॉल b होती है इसको बोलते हैं दोस्तों बिट, और जो हमारी कैपिटल B होती है उसको बोलते हैं बाइट, BYTE बाइट। और इनमें दोनों में अंतर क्या है कि जो हमारी 1 byte है, BYTE जो बाइट है वो कितनी होती है, वो 8 bit के इक्वल होती है। कितने बिट के इक्वल होती है, 8 bit के इक्वल होती है, 8 bit। तो ये हमें दोनों में डिफरेंस याद रखना है। और जो किलोबाइट होता है दोस्तों, यदि पूछा जाए कि 1 kilobyte में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में
एक केबी में हमारे कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ओसीआर का जो पूर्ण रूप है यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। तो ये क्या होता है दोस्तों ओसीआर के विषय में जस्ट मैं आपको छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। ये सिंपली क्या होता है दोस्तों कि यदि कोई पेज छपा हुआ होता है यानी कि जिसमें टेक्स्ट होता है उसे ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और जिसको हम एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बहुत बड़ी कोई बुक है और उसको हमें उसके टेक्स्ट को यदि हमें स्कैन करना है, मेनली स्कैनर में इसका यूज़ किया जाता है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। नेक्स्ट देखते हैं, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं मोडेम। उसको क्या बोलते हैं? मोडेम। तो मोडेम को हम इस तरह से लिखते हैं, मोडेम, DEM। तो इसको दो भागों में यदि हम बांट दें तो जो पहले वाला मो होता है इसका मतलब होता है मोडुलेटर, और जो डेम होता है इसका मतलब होता है डीमोडुलेटर। तो यदि आपको पूछा जाए कि कौन सी डिवाइस है तो वो होती है मोडेम, और मोडेम को का क्या प्रयोग है, मोडेम किसको बोलते हैं? तो ये होती है दोस्तों एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को एक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट कर देती है और जो कि एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलने के काम में ली जाती है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ASCII का पूर्ण रूप है, ASCII 2 बोलते हैं इसको, तो इसका जो पूर्ण रूप है इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये क्या होती है दोस्तों? ये क्या होती है? तो ये होती है एक कोडिंग टेक्निक है जिसकी मदद से जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, सपोज ए है तो उसको एक पर्टिकुलर कोड में बदल देती है। जैसे ए को फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ए को 97 लिखते हैं, 0 को 48, एट द रेट को 64, इस तरह से मतलब एक तरह से कोडिंग में इसका यूज़ किया जाता है। और मेनली यदि मैं बोलूँ तो दोस्तों इसका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो दोस्तों ये सिलिकन धातु से बनी होती है और इसमें वर्ड आता है आईसी। आईसी क्या होता है दोस्तों? आईसी, तो आईसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? ये बहुत छोटे आकार का कंडक्टर चिप होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर को मिलाकर एक सर्किट तैयार किया जाता है जिससे हम आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और ये किससे बनती है? सिलिकॉन, याद रखना है, सिलिकॉन से बनती है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के ऊपर क्वेश्चंस। जैसा कि क्वेश्चन दिया है, लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया, तो कब किया था? 1904 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्थान पर एक ब्रह्मचारी की स्थापना की 1901 में। नेक्स्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, तो वो हुई थी दोस्तों 1927 में। एक नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय व अवरोधन को परिभाषित किया? तो ये दोस्तों हर्टाग समिति थी जिसने सर्वप्रथम अपव्यय अवरोधन को परिभाषित किया था। तो ये हर्टाग समिति की कभी कभी दोस्तों ये स्थापना ये पूछ लेते हैं, तो इसका जो गठन हुआ था वो 1929 में भारतीय परिनीति आयोग ने सर विलियम हर्टाग, जिसके नाम पर हर्टाग समिति बनी थी, वो थे दोस्तों सर फिलिप हर्टाग के नेतृत्व में किया था। और इसका यदि काम आपको पूछे बताया जाए तो शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए इस समिति का गठन किया गया था। इसके प्राथमिक स्तर की इसमें जो सबसे ज़्यादा बात की गई थी वो प्राथमिक स्तर के लिए की गई थी,
तो हट्टाग समिति की यदि स्थापना पूछे तो 1929, और इसका मेन काम जो प्राथमिक स्तर है उसकी स्तर के बाद इसके इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अवरोधन का क्या अर्थ है? तो अवरोधन का जो अर्थ है किसी कक्षा में फेल हो जाना, उसको बोलते हैं अवरोधन। नेक्स्ट है शिक्षा में अपव्यय से क्या आशय है? तो दोस्तों शिक्षा में अपव्यय से आशय है बीच में पढ़ाई का छोड़ देना, बीच में पढ़ाई को छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबट ने अपनी रिपोर्ट दी थी, किसके ऊपर दी थी एबट ने? तो सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वुड ने अपनी रिपोर्ट दी थी, तो जो वुड ने दी थी वो व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर दी थी। और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, एबट रिपोर्ट की जो प्रमुख सिफारिश थी वो क्या थी दोस्तों? वो थी दोस्तों BSc पास छात्रों के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान किए जाने चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने 25 क्वेश्चनों की तैयारी के लिए जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में दोस्तों इसको शेयर कीजिए, सो दैट वे दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें। और दोस्तों यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ के साथ एक घंटी का निशान भी प्रेस कीजिए, सो दैट आपको मेरी आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें बिना किसी सर्च के। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।